हेलो हाय गाइस, आज हम आपको प्ले लगा के दिखाएंगे 600 का। मेरे साथ अब्दुल रहमान है और मेरा नाम जितेंद्र पाल है। आओ कैसे प्ले लगता है आज जी गाइस। जैसे कि अभी जसविंदर ने आपको बताया कि हम केबल ट्रे लगाने लगे हैं, तो ये मेरे उस्ताद हैं। तो केबल ट्रे लगाने के लिए जो हमने हैंगिंग करनी है इधर छत के साथ, केबल ट्रे 600 की केबल ट्रे जो हमने हैंगिंग करनी है, तो ये जो मीटर नाप रहे हैं ना, ये राड लगाने के लिए, उसकी सपोर्ट देने के लिए वो मीटर नाप रहे। तो इधर हम हिल्टी मारेंगे, पोल करेंगे, तो फिर इसके साथ राड लगाएंगे। राड लगा के फिर हम इधर हैंगिंग करेंगे केबल ट्रे। तो हम ऐसे ही आपको आस्ता आस्ता दिखाएंगे आगे। हाय गाइस, पहले हम आपको मार्किंग का दिखाया था, मार्किंग हो चुका है। अभी हमारे अब्दुल रहमान होल मारने जा रहे हैं। देखो अब्दुल भाई हमारे सामान ले रहे हैं, यूनिफिक्सर एनएम का रॉड भी लेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। देखो अब्दुल भाई हमारे सामान ले रहे हैं यूनिफिक्स होल में लगाने के लिए। देखो हमारे अब्दुल भाई होल मारने जा रहे हैं। देखो देख लीजिए आप होल कैसे मारा जाता है। हाँ होल हो चुका है इसके अंदर। अब हमारे अब्दुल भाई यूनिफिक्स लगाएंगे, ये 10 mm का रॉड है। 10 mm का रॉड के लिए 10 mm का यूनिफिक्स लगाया जाता है। देखिए पहले हमने आपको दिखाया था वीडियो में होल मार रहे थे, होल मार हो चुका है। अभी रॉड काटेंगे और लगाने के लिए। देखो रॉड का मार्किंग हो रहा है, अब्दुल भाई रॉड का मार्किंग कर रहे हैं। देखिए पहले मार्किंग हो चुका है, अभी कटिंग करेंगे हमारे अब्दुल भाई। जी गाइज अभी देखो रॉड कटिंग हो चुका है। अभी ट्रे को स्पूड लगाने के लिए 240 का चैनल कटिंग करना पड़ता है, उसके लिए मार्किंग हो रहा है। देखो हमारे अब्दुल भाई मार्किंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो पहले होल किए फिर यूनिफिक्स लगाए, तो अभी मैंने राड कटिंग किए थे, तो ये अभी ऐसे लग रहे हैं छत पे। ये ऐसे सपोर्टें लगाई जाती है, फिर इसके साथ ट्रे हैंगिंग करेंगे हम। तो ये राड हमारे लग चुके हैं, तो अभी लगाएंगे इसमें चैनल। तो मैं अभी देता हूँ चैनल जसविंदर को, ये चैनल लगाने वाले हैं। ये चैनल सपोर्ट, स्पॉट बोलते हैं उसके नीचे देने के लिए, ये स्पॉट। जब इधर हैंगिंग करेंगे देखो, तो जी गाइस ये स्पॉटें हमारी लग चुकी हैं, रेडी हो गई हैं। तो अभी हम कटिंग करेंगे केबल ट्रे इसके ऊपर। तो ये वाली केबल ट्रे है जो उनके ऊपर रखनी है, हमने इस फोटो के ऊपर लगानी है, ये 600 की है। तो अभी इसकी कटिंग करेंगे नाप के। जी गाइस देखो 600 का हम अभी प्ले लगाएंगे, स्पोर्ट लग चुका है हमारा, रेडी हो चुका है। अभी हम 600 की प्ले की मार्किंग कर रहे हैं। सही है, मार्किंग के लिए 150 का ट्रे फिर हमने मापा हुआ है, तो 150 का ट्रे अभी ये कटिंग करेंगे। Thank you.
अब हमने 600 का ट्रे जो अभी कटिंग किया था तो वो ऊपर हमने ऐसे लगा दिया है, ऊपर चैनल पे रख दिया है। तो अभी आगे हम इसके आगे टी लगाएंगे, टी इसीलिए लगा रहे हैं आगे हमारी दो ब्रांचें निकलेंगी उसमें से। तो जैसे हम वो लगाएंगे अभी आपको वो भी दिखाएंगे। देखो अभी पहले हमें आपको पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमने 600 का टी लगाया, देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। उसके आगे आपको तो टी लगाया, टी लगाने का मतलब है आगे पराजे निकल जाए। अभी देखो टी हम भी हमारा टी पड़ा हुआ है। तो टी लगाने के लिए सबसे पहले इसमें कपड़ा लगाए जाते हैं, कपड़े इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसको जो पकड़ को मजबूत कर ले। देखिए अभी कपड़ा लगाएंगे, देखो हमारा अभी टी रेडी हो चुका है, हमने कपड़ा लगा चुके हैं इसका। अभी इसको हम उसके ऊपर लगाएंगे, टी ऊपर लगा दिया है। और देखो जी टी लगाने के बाद हम इसको इसका नट बोल्ट लगाएंगे, तो जहाँ से ब्रांच निकलेगा और एक जहाँ से ब्रांच निकलेगा। हमारे गाय जी देखो हमने जो ब्रांच के निकाले उसके लिए बोल्ट मारना जरूरी है, क्योंकि अच्छे से पीछे नहीं लगेगा ना, ब्रांच के लिए बोल्ट लगेगा। उसके लिए हम ट्रे लगाएंगे, 600 का ट्रे लगाने से पहले उसके लिए बोल किया है, बोल हमने कर लिया ऑलरेडी उसका लिए, उसके लिए हमने आपको वीडियो भी बनाया। देखो होल होल का होल जो हो चुका है उसमें जो फिक्स बोल्ट लगाया जाता है, फिक्स बोल्ट 10 रुपये का है, उसमें यूनी फिक्स नहीं हमने लगाया, यूनी फिक्स ओनली स्लैब में लगाया जाता है। ये फिक्स बोल्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह कबूक है। बोल्ट हम लगा रहे हैं बाकी वो मिट्टी का जो काम है वो अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको।